बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के खिलाफ हुंकार भरने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर चुनाव के दौरान अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ लेते ही वो अवतरित हुए और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। पीके ने नीतीश को थका हुआ सीएम तक कह दिया। दरअसल जेडीयू के पूर्व नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सातवीं बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद उन पर जमकर निशाना साधा। अपने एक ट्वीट में प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को बधाई। राज्य को कुछ सालों तक और एक थके हुए, राजनीतिक रूप से महत्वहीन हो गए एक नेता के प्रभावहीन शासन के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि पहली बार नहीं है जब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर इस तरह निशाना साधा। इससे पहले जेडीयू से निकाले जाने के बाद से ही वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे। कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे पीके ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा था। इन हमलों से नीतीश और प्रशांत के रिश्तों में खटास आ गई थी और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने सितंबर 2018 में जेडीयू में शामिल कराया था। उस समय नीतीश ने साफ कहा था कि पार्टी में उनकी हैसियत नंबर दो की होगी। नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर पार्टी में अंदर ही अंदर नाराजगी थी। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को हमेशा तवज्जो दी। हालांकि प्रशांत किशोर का जेडीयू में सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। माना जा रहा था कि इस चुनाव में पीके नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, लेकिन वो अचानक गायब हो गए और अब जब नीतीश ने प्रदेश की कमान संभाल ली है तो पीके ने एक बार फिर से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।